So good afternoon, everyone, and warm welcome to everyone joining this power-packed webinar on Dholera, the trillion-dollar powerhouse, in association with Smart Home Infrastructure Private Limited. And I'm sure you guys are very happy after yesterday's last night's historic win after 13 years. And what could be a special day for us to meet on this presentation. To know more about India's growing journey into smart सिटी. सो आज के सेशन में हम एक्सप्लोर करेंगे इतने इतने तेजी से आगे बढ़ने वाले ग्लोबल इकोनॉमिक हब धोलेरा के बारे में, कैसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजिक लोकेशन और रॉबस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ धोलेरा आज एक ट्रिलियन डॉलर सिटी बनने जा रहा है. दोस्तों, हम बात करेंगे धोलेरा की की डेवलपमेंट और ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में, और स्मार्ट होम टीम के एक क्रुशियल क्रुशियल रोल इस रिमार्केबल जर्नी में कैसे उनको आगे लेके जा रहे हैं. सो जॉइन अस एज वी ड्वेल इनटू द फ्यूचर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग रीजन इन द वर्ल्ड. आज से करीब 10 साल पहले 2014 में पूरे भारत में एक स्मार्ट सिटी मिशन चालू हुआ था, जिसमें दोनों प्रकार के स्मार्ट सिटी जैसे कि ब्राउनफील्ड एंड ग्रीनफील्ड की चर्चा हो रही थी. ब्राउनफील्ड, जो आप सबको पता है, दिल्ली मुंबई दिल्ली मुंबई राजस्थान ऐसे ऐसे और अहमदाबाद ऐसे कई शहरों को आधुनिक तरीके से और स्मार्ट सिटी कैसे बनाया जाए उसके ऊपर काम किया जा रहा था. और उसके साथ साथ ग्रीनफील्ड सिटीज के, जहाँ पे कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जहाँ से फ्रॉम द स्क्रैच एक पूरा नया आधुनिक सिटी डेवलप किया जा रहा है, वैसे वैसे कई सारे सिटीज के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने काम किया. इंडिया में इतने अर्बनाइजेशन हो रहे हैं, तो कैसे ये नए शहर बनाए जाए और बसाए जाए, इन सभी बातों पे चर्चा चलती रह रही. उसी समय की बात है जब रुपिंदर सिंह ने फर्स्ट टाइम इस डोमेन पर ध्यान दिया, स्मार्ट सिटी को समझना स्मार्ट सिटीज को समझा, अपनी रिसर्च स्टार्ट की एंड ये जाना कि ये अपॉर्चुनिटीज जो शायद वंस इन अ लाइफ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी बन सकती है. और फिर क्या था, देयर वॉज नो लुकिंग बैक. वी आर ऑनर्ड टू वेलकम अवर एस्टिम्ड गेस्ट स्पीकर रुपिंदर सिंह एंड मीनाक्षी खुराना. हेलो इस पावर कपल को कौन नहीं जानता. धोलेरा में दे ब्रिंग द वेल्थ ऑफ एक्सपर्टीज एंड इंसाइट्स इनटू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ धोलेरा, मेकिंग देम इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूटर्स टू दिस डिस्कशन. रुपिंदर सिंह, जिन्होंने इंडिया के बेस्ट कॉलेज आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन की, और उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड के टॉप बिजनेस स्कूल में से एमबीए किया. एंड आफ्टर दैट एमआईएस करने वो गए कार्लसन बिजनेस स्कूल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. एंड उनके कॉर्पोरेट करियर में ही हैज वर्क विथ कंपनीज लाइक जीईसी मैक्रोनी. रुपिंदर सिंह ने बिलियंस ऑफ डॉलर के पोर्टफोलियोज हैंडल किए. उनके वास्ट एक्सपर्टीज रहा है ग्लोबल मर्जर्स एंड एक्विजिशन में, बड़े इन्वेस्टमेंट की डील्स को कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है, प्रॉपर एक्सिट स्ट्रेटेजी, ये इनके डीएनए में. एज एन एंजल इन्वेस्टर इन्होंने बहुत सारे इंटरनेट स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्टमेंट किया है, लाइक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट्स, ई रिटेल, इंटरटेनमेंट, ऑनलाइन एजुकेशन एंड टेलीकॉम. फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर्स ही हैज डेडिकेटली वर्किंग इन धोलेरा लैंड एक्विजिशन स्पेस. लैंड की छोटी से छोटी नीटी ग्रिटी से लेके बिग टाइम कॉम्प्लेक्स इश्यूज को रिजोल्व करना, फार्मर्स एंड लोकल ब्रोकर्स के साथ मिलके काम करना, डॉक्यूमेंटेशन पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, नीट एंड क्लीन, फेयर एंड स्क्वायर डील्स के लिए जाने जा रहे हैं रुपिंदर सिंह इन धोलेरा. एक और दिलचस्प बात यह है कि 2014 में ऑन ग्राउंड स्टडी एंड रिसर्च करने के लिए सिंह साहब धोलेरा के विलेजेस में भी रहे. 7-8 महीने के लिए एक एक विलेज, एक एक रिलेटेड डिपार्टमेंट, एक एक धोलेरा रिलेटेड चीज एक्सप्लोर करने के बाद उन्होंने ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी को समझा. एंड इस जर्नी में उनका साथ दिया उनकी बेटर हाफ मीनाक्षी मैम ने. मीनाक्षी मैम जो के रियल एस्टेट मार्केट में नई थे, सो प्राइमरली उनका रोल है बिजनेस डेवलपमेंट का. मीनाक्षी मैम ने इंडिया के टॉप बिजनेस बिजनेस स्कूल आईएमटी गाजियाबाद से एमबीए किया है. उनका उनका एक्सपर्टीज रहा है 360 डिग्री डिजिटल मार्केटिंग अक्रॉस द ग्लोब. मीनाक्षी मैम को सर के विजन पर विश्वास था, एक भरोसा था. जैसे कि वो बोलते, रुपिंदर जी इज एन अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफायर. अपॉर्चुनिटी को टाइमली आइडेंटिफाई करना और फिर उसको एग्जीक्यूट करना एक बहुत बड़ा टास्क है. जैसे कि मैम हमेशा बोलते हैं, ओवर टाइम धोलेरा सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, हमारे लिए धोलेरा की मिट्टी साथ एक डीप डीप कनेक्शन जुड़ा हुआ है. धोलेरा के रूट्स को
थ्रिलर के रूट्स को गहराइयों से जानना है हमने, और एंड उसके डायनेमिक को समझ रहा है। धोलरा इज इन अवर ब्लड नाउ। आई कुड एक्चुअली टॉक अबाउट धोलरा एंडलेसली। सो मैम हियर यू गो, एज दे से लेडीज फर्स्ट। सो हम आज का पावर सेशन मैम के साथ स्टार्ट करेंगे। मैम मीनाक्षी मैम, इट्स ओवर टू यू। थैंक यू सो मच हर्ष, इतना इलैबोरेट इंट्रोडक्शन के लिए एंड वार्म वेलकम वंस अगेन टू एवरीवन। बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। नाउ टू स्टार्ट विद, हमारा एक बार बार एक क्वेश्चन आता है सभी के दिमाग में और अक्रॉस द ग्लोब ये सबके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि धोलेरा इतना रैपिडली ग्रो कैसे कर रहा है, धोलेरा में ये धोलेरा धोलेरा क्यों हो रहा है, धोलेरा इतना लाइमलाइट में क्यों है, व्हाई एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट धोलेरा। या सो ऑब्वियसली देर आर वेरियस फैक्टर्स बिहाइंड दिस रीजन कि इतना धोलेरा धोलेरा क्यों हो रहा है। बिफोर आई एक्चुअली गेट इन टू दैट, देर इज अ वेरी क्विक थिंग आई वुड जस्ट एड टू वॉट हर्ष सेड। जो ये ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटीज हैं, ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटीज अपने आप में ही एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं। जब हम बोलते हैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का मतलब ही ये है कि वहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है और इट हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय गवर्नमेंट, इट हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय अथॉरिटीज। एक ऐसी जगह आइडेंटिफाई की जाती है जहां पे डेवलपमेंट का स्कोप होता है, जहां से उस पर्टिकुलर स्टेट में एक अगर डेवलपमेंट की जाए तो क्या मतलब यू नो उसकी कैसे इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट का रेवेन्यू ग्रोथ एंड ऑल दोस थिंग्स हो सकते हैं। तो धोलेरा एक ऐसा ही शहर आइडेंटिफाई हुआ जो कि बहुत बड़ी एक जमीन है, 920 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब अपने आप में ही एक देश है फॉर दैट मैटर, राइट। बाहर तो उससे छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं तो यहाँ पे तो एक शहर बसाया जा रहा है। जैसा कि धोलेरा के लिए एक स्लोगन भी है, धोलेरा ऐसा यार अ मिनी गुजरात विद इन गुजरात, सो इट इज लाइक दैट। सो टू दैट एक्सटेंट इट हैज बीन थॉट अबाउट धोलेरा कि एक ग्रीनफील्ड जगह है, लैंड के रेट्स हमेशा कम होते हैं, जमीन हमेशा सस्ती होती है जब कहीं पे नई शुरुआत हो रही होती है। यू नो अगर हम दिल्ली एनसीआर का मोस्ट ऑफ द लोगों को आइडिया होता है तो वी जस्ट टेक दिस एज एन एग्जांपल, क्योंकि एनसीआर जो डेवलप हुआ, चाहे वो गुड़गांव डेवलप हुआ, चाहे वो फरीदाबाद डेवलप हुआ या नोएडा डेवलप हुआ दिल्ली के अगल बगल में, तो गुड़गांव वॉज बेसिकली वॉट इट वॉज, अगेन बहुत जमीन थी गुड़गांव में और इट वॉज ऑल्सो आइडेंटिफाइड एज एक हॉटस्पॉट की तरह वो भी आइडेंटिफाई हुआ और उसमें भी काफी इंडस्ट्रीज आई, काफी कंपनीज आई, रादर वाइट कॉलर जॉब्स बहुत जनरेट हुई गुड़गांव में, आईटी की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आई। तो दैट इज हाउ धीरे धीरे करके गुड़गांव का रियल एस्टेट ग्रो करने लगा। अब अगर हम बात करें कि रिटेल लैंड रेट्स, होलसेल लैंड रेट्स, ये हमेशा और हमेशा एक अपॉर्चुनिटी रहती है इस तरह की ग्रीनफील्ड जगहों में। सेम अपॉर्चुनिटी हमें एग्जिस्टिंग शहर में नहीं मिल पाती है या सेम अपॉर्चुनिटी हमें कोई जैसे ब्राउनफील्ड जगहें होती है उन पे नहीं मिल पाती है, राइट। धोलेरा लाइमलाइट में प्राइमरीली इसीलिए है क्योंकि धोलेरा एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। धोलेरा के जो लैंड रेट्स हैं वो कम है बहुत ज्यादा, ध्यान नहीं आया तो था जब मेरे कॉल करने के लिए नहीं आपका कॉल नहीं ऑक्यूपाइड था जब मैं कॉल करने जब आ गए थे ना। ओके सो कमिंग बैक टू दिस नाउ, जब हम बात करते हैं कि धोलेरा जो अपना है क्योंकि लैंड रेट्स बहुत कम है, अभी डेवलपमेंट हो रही है धोलेरा में। अब धोलेरा के लोकेशन की बात करें तो वो भी बिल्कुल एक स्ट्रेटेजिक सी लोकेशन है धोलेरा की। धोलेरा इज लोकेटेड बिटवीन अहमदाबाद एंड भावनगर, एक तरफ से वडोदरा आता है, एक तरफ राजकोट आ जाता है, तो इन बिटवीन है धोलेरा, राइट। गुजरात में भी ऐसी लोकेशन में है जहां पे चारों तरफ एक्सेस है धोलेरा को,
फिर आप सभी ने डीएमआईसी कॉरिडोर सुना होगा, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो धोलेरा इज वन ऑफ द मेजर नोड्स इन डीएमआईसी कॉरिडोर, जो कि एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से कनेक्टेड है डीएमआईसी से, राइट। फिर आगे हम बात करते हैं, सरकार का पूरा पूरा सपोर्ट है ऐसी एक नई ग्रीन फील्ड सिटी बनाने के लिए। सरकार का सपोर्ट क्यों है? बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजन, इट इज गोइंग टू जनरेट लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट। मतलब हम एम्प्लॉयमेंट की जब बात करते हैं, इट इज नॉट ओनली गोइंग टू जनरेट, कि सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगी या सिर्फ एक क्लास 4 वाला लेबरर्स वाली वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, वो स्किल्ड वर्कर्स भी आएंगे वहां पे टेक्निकल जॉब्स भी क्रिएट होंगी, वहां पे फाइनेंशियल जॉब्स भी क्रिएट होंगी, व्हाइट कॉलर जॉब्स भी क्रिएट होंगी। धोलेरा बनने जा रहा है एक बिग टाइम सेमीकंडक्टर कैपिटल, मतलब इंडिया का क्या, मुझे तो लग रहा है वर्ल्ड का ही सेमीकंडक्टर कैपिटल बनने जा रहा है। तो रिसेंटली टाटा का एक अनाउंसमेंट भी आया था, आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा न्यूज में, बहुत ज्यादा उस वो लाइमलाइट में चल रही थी चीज। आई थिंक इट इज सम 100-150 acres ऑफ लैंड दैट हैज बीन एलोकेटेड टू टाटा फॉर दिस सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट जो कि धोलेरा में आ रहा है। तो इन सब चीजों को इन सब चीजों को देखते हुए कि एक नया स्क्रैच से शहर बन रहा है, जमीन के रेट अभी सस्ते होते हैं, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, कनेक्टिविटी चारों तरफ से है, चाहे धोलेरा में अपना एयरपोर्ट आ रहा है, धोलेरा में अपना अहमदाबाद धोलेरा भावनगर एक्सप्रेसवे बन रहा है, डीएमआईसी कॉरिडोर का एक मेन शहर है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला है। अभी तो आपने शायद सुना हो, एक लोथल धोलेरा के नजदीक आता है जहां पे कि मैरीटाइम म्यूजियम डेवलप हो रहा है, एंड दिस मैरीटाइम म्यूजियम इट इज अ बिग टाइम टूरिस्ट अट्रैक्शन दैट इज गेटिंग डेवलप्ड। पूरे इंडिया का मरीन का हिस्ट्री। अच्छा, इसमें एक और चीज है, वर्ल्ड का टॉलेस्ट लाइट हाउस भी डेवलप किया जा रहा है। सो इट इज गोइंग टू ऑब्वियसली अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन आती है ऐसी जगहों पे। फिर ऑटोमेटिकली जब इतनी सारी चीजें आ रही हैं, तो एक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर अपने आप ही उभर के आ जाता है, राइट। दिस इज हाउ रियल एस्टेट ग्रोज बेसिकली। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, लोग काम करने आए, लोग काम करने आए, उनकी फैमिलीज आएंगी साथ में, फैमिलीज आएंगी साथ में तो स्कूल भी चाहिए, हॉस्पिटल भी चाहिए, कॉलेज भी चाहिए, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए टूरिस्ट स्पॉट्स भी चाहिए, 5-स्टार होटल भी चाहिए, राइट। जब हम बात करते हैं ताइवानीज कंपनी आ रही है यहाँ पे काम करने के लिए, उनके सीनियर डेलीगेट्स और ये सब आएंगे, तो वो कहाँ रहेंगे? 5-स्टार होटल्स में रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली वी नीड देम। देन धुलेरा में अपना एयरपोर्ट आ रहा है, तो एयरपोर्ट आ रहा है विच एसेंशियली मीन्स, एंड इट इज ऑब्वियसली एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट फॉर कार्गो एंड पैसेंजर बोथ, तो वो एयरपोर्ट आ रहा है, तो उस एयरपोर्ट को ऑपरेशनल करेंगे, विच मीन्स उसके लिए भी काम करना है। अच्छा, एयरपोर्ट के लिए भी फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। सो ऑल इन ऑल धोलेरा इज अ फुल फ्लेजेड पैकेज नाउ, या एंड दैट इज द रीजन धोलेरा में इतनी ज्यादा, जो हम बोल रहे हैं कि इतना व्हाई इज इट रैपिडली ग्रोइंग, इतना ज्यादा क्यों धोलेरा धोलेरा हो रहा है, ये कुछ रीजंस हैं। आई मीन आई नो आई कैन टॉक एंडलेसली अबाउट धोलेरा, बट या दीज आर द फ्यू रीजंस कि धोलेरा क्यों लाइमलाइट में है और यहाँ पे इतना काम हो रहा है। ये कोई, दिस इज नो फ्लूक, दिस इज ऐसा नहीं है कि ये हवा हवा में बातें चल रही हैं। एवरी वन ऑफ यू हु इज ऑलरेडी ज्वाइंड दिस सेमिनार वेबिनार या जो धोलेरा प्लान कर रहा है आने की, डू विजिट धोलेरा एटलीस्ट एक बार। आपको, अगर आप अभी तक नहीं आए हैं, एक बार आपको धोलेरा आना चाहिए और यू शुड एक्सपीरियंस योर सेल्फ कि धोलेरा में क्या 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 हो रहा है, राइट। आई विल अगेन कंटिन्यू विद दिस विद सम एक्सटेंशन, पर उससे पहले आपका एक ये जानना जरूरी है कि धोलेरा जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, और धोलेरा का तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, एज अ कंपनी स्मार्ट होम्स क्या कर रही है, स्मार्ट होम्स कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है अपने प्रोजेक्ट्स में। तो हु इज बेटर देन रुपिंदर सिंह टू टॉक अबाउट दिस, लेट मी कॉल हिम नाउ। सर, ओवर टू यू, लेट अस हेयर फ्रॉम यू अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ धोलेरा एंड
स्मार्ट होम्स क्या करने जा रहा है। थैंक यू। थैंक यू मीना। हाय एवरीवन। बेसिकली आप सबने इस समय मीनाक्षी को सुना इतना धोलेरा के बारे में बताते हुए कि धोलेरा ऐसा है, धोलेरा वैसा है, ग्रीन फील्ड है, उसमें कितने एडवांटेजेस हैं और उसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। इट्स एक्चुअली रियली एक्साइटिंग। और इस जर्नी को हमें समझने के लिए ये समझना चाहिए कि धोलेरा में कुछ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए जिसके कारण आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे। और बेसिकली धोलेरा में दो पार्ट्स देखे जा सकते हैं, एक इनसाइड धोलेरा SIR और एक आउटसाइड धोलेरा SIR। और इन्वेस्टमेंट्स बेसिकली अब दोनों जगह पर ही हो रही हैं और दोनों के अपने अपने टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिसको हमें समझना है। जैसे आप SIR में पैसा डाल रहे हैं तो वहां पर धुलेरा SIR अथॉरिटी गवर्न कर रही है, DICDL इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंपनी है जो सारा पैरामीटर्स वहां पे डिफाइन कर रही है, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी है जो सारा कुछ गवर्न कर रही है। और वहां पर ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर है ICT का, IoT का, जिससे कि हम बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रंक बना सकते हैं उसमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर करके और इंटरनेट ओवर थिंग्स का इस्तेमाल करके हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और उसी तरह SIR के अंदर उसमें डेजिग्नेटेड जोन्स हैं, रेजिडेंशियल जोन हो गया, कमर्शियल जोन हो गया, इंडस्ट्रियल जोन हो गया। ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे 15-16 वहां जोन आते हैं, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जोन वाइज में प्लान करके उसको फिर इन्वेस्ट करना है। उसी तरह वहां पर ABCD बिल्डिंग है जिससे कि आप पूरा सिस्टम धोलेरा का सेंट्रलाइज वे से चलते हुए देख सकते हैं, पूरा वहां से मैनेज हो जाता है। और उसी तरह SIR गए वो अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस वे जो है वो उसका स्पाइन कॉर्ड है, वो दोनों तरफ धोलेरा उसके दोनों तरफ पर बसने जा रहा है जो SIR इनसाइड है। और आउटसाइड SIR में क्या है कि आप जो है जो धोलेरा की पेरीफेरी है उस पेरीफेरी के बाहर आप पूरा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें SIRDA अथॉरिटी का इतना ज्यादा हाथ नहीं है, इसमें ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का इसमें पार्टिसिपेशन होगा। आपको उनके पास जाना पड़ेगा, आपको उनके पास जाकर अपने प्लान्स पास करवाने पड़ेंगे, आप उनको वहां जाकर अपने फ्यूचर प्लानिंग बताकर कि हम ये डेवलप कर रहे हैं, फर्दर लैंड एक्विजिशन करनी पड़ेगी, फिर उसको फर्दर स्केल करना पड़ेगा। तो तालुका जो है धोलेरा की इसमें इन्वॉल्व होगी। और इसमें ये बेनिफिट आ जाता है कि आप आज लैंड लेते हो, आप उसको रेगुलराइज करते हो, आप उसमें तुरंत पोजिशन ले सकते हो और तुरंत आप उसको अपने इन्वेस्टर्स को उसमें पोजिशन दे सकते हो। उसमें बाकी जो है विलेज रोड जो है उसमें वो जिला पंचायत के थ्रू मैनेज होंगी, इसमें SIRDA अथॉरिटी का कोई ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बट हाँ एक चीज और है, एयरपोर्ट जो है वो SIRDA अथॉरिटी के बाहर आ रहा है और इस जोन के बाहर आ रहा है, इट्स अ बेसिकली फ्री जोन। जो भी लैंड SIR के अंदर नहीं आ रही है उसको हम फ्री जोन के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं और उसमें उस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। और विद रिगार्ड्स टू स्मार्ट होम्स, हमने दोनों जगह पर इन्वेस्ट किया है, दोनों के एडवांटेजेस का पूरा पूरा हमने बेनिफिट उठाया है और हम उसके प्लसेस भी जानते हैं, उसके माइनसेस भी जानते हैं दोनों जगह के। और दोनों में इन्वेस्टमेंट करने का तरीका अलग अलग है, कोई किसी में आप पहले इन्वेस्ट कर देते हो और उसमें आप वेट करते हो कि इसमें अब डेवलपमेंट करने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन आप कहीं पे पहले इन्वेस्ट करते हो और आप तुरंत उसको डेवलपमेंट में डाल देते हो और अपने कस्टमर्स को उसकी पोजीशन देना चालू कर देते हो। अब जैसे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, फिलहाल मैं आपको एक प्रोटोटाइप बताता हूँ जो कि हमारे सारे प्रोजेक्ट्स में हम अप्लाई कर रहे हैं, जो कि इनसाइड SIR भी है और आउटसाइड SIR भी है। और फिलहाल जब पोजीशन आउटसाइड SIR का मिला हुआ है तो हमने क्या किया है, हमने अपना प्रोटोटाइप रेडी किया है, हम अपनी डेवलपमेंट चालू कर चुके हैं और उसमें हम हर प्रोजेक्ट में सिमिलर टाइप का डेवलपमेंट स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं और उसमें हमारे पास डिप्लॉयड प्रोफेशनल आर्किटेक्ट्स हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं, MEP कंसल्टेंट्स हैं, लैंडस्केप कंसल्टेंट्स हैं, जिनके साथ हम काम करके हम उस लैंड को पूरा प्रॉपरली डेवलपमेंट के लिए रेडी करते हैं
और फिर उसके बाद हम उसमें डेवलपमेंट चालू करते हैं। जैसे कि अब इसमें हम बात करें तो हम एमिनिटीज तो प्रोवाइड करेंगे ही, बट दोज एमिनिटीज कम इन द लेटर स्टेजेस। उससे पहले हम इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। हमारे एसआईआर के बाहर के प्रोजेक्ट में हमने डिजाइन किया है कि अब हम प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, जो कि एसआईआर के अंदर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, वो हम अपने प्रोजेक्ट्स में हम खुद उसको प्रोवाइड करेंगे। और वो उसका स्ट्रक्चर जो है ये आपको सामने दिखेगा। इसमें आप पावर टू टेलीकॉम लाइन का प्रोविजन दे रहे हैं, आप इसमें वाटर वाटर लाइन का प्रोविजन दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोल का प्रोविजनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें आप जो रोड है वो पूरी आरसीसी की प्रोवाइड कर रहे हैं, और फ्यूचर में कभी आपको गैस लाइन वहां पर कोई इंस्टॉल करता है तो आपको वो प्रोविजन रहेगा कि आप अपने प्रोजेक्ट्स में वो गैस लाइन भी प्रोवाइड कर सकें। अच्छा, आप लैंड ले लिए, लैंड लेके आप तुरंत धोलेरा की लैंड में कंस्ट्रक्शन चालू नहीं कर सकते, क्योंकि वहां लैंड की टाइप जो है इट्स डिफरेंट फ्रॉम दी अदर लैंड पार्सल्स विच आर से इन अहमदाबाद और इनसे गुड़गांव और समवेयर एल्स इन इंडिया। ये सी के पास था तो इसके लैंड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बाकी हर जगह से अलग हैं। इसमें सॉफ्ट क्ले सॉयल है, तो सॉफ्ट क्ले सॉयल के लिए आपको इनिशियली क्या डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉलो करनी पड़ती हैं और किस टाइप की सॉयल है, यहाँ पर हर 1-2 किलोमीटर में इसमें चेंज आता है, तो आपको सॉयल रिपोर्ट लेनी जरूरी हो जाती है। और नीचे पानी कितना डेप्थ में है, यहाँ पर पानी जैसे 8 फीट, 10 फीट, 12 फीट में पानी नीचे है, तो आपको हर सॉयल के साथ, आपने हर प्रोजेक्ट लैंड के साथ आपको वो टेक्निकली सॉयल का रिपोर्ट निकालना पड़ेगा। और उस सॉयल को रिपोर्ट को निकालने के बाद आप अपनी डेवलपमेंट प्लान करेंगे। सो ईच एंड एवरी लैंड पार्सल हैज अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कैरेक्टरिस्टिक्स सॉयल रिपोर्ट के साथ आपको पता चलेगी। और हमारे हर प्रोजेक्ट में सॉयल रिपोर्ट हम पहले लेते हैं बिफोर वी स्टार्ट द डेवलपमेंट वर्क। इवन फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्क वी लुक फॉर द सॉयल रिपोर्ट। फिर उसके बाद यहाँ की जो लैंड पार्सल है, ये पहले बैरन लैंड थी, और यहाँ पे हर लैंड पार्सल में आपको डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे विद रिगार्ड्स टू शेप, हाइट, स्लोप ऑफ द सरफेस। उसके लिए कंटूर सर्वे का आपके पास मैप होना जरूरी है अपने लैंड पार्सल्स के लिए। तो एज अ डेवलपर वी आर मेकिंग श्योर कि हम कंटूर सर्वेस ले रहे हैं और उसके मैप्स बना रहे हैं, और उन मैप्स को बनाने के बाद वी आइडेंटिफाई कि चलो सॉइल रिपोर्ट आ गया, कंटूर सर्वे आ गया, नाउ वी कैन थिंक एंड प्लान अबाउट अवर डेवलपमेंट। और उसके लिए हम लोग जो डेवलपमेंट यूज कर रहे हैं वो आरसीसी बेस्ड होती है। हर जगह पर जहां पर भी आप कंपाउंड वॉल डाल रहे हो या कहीं भी किसी टाइप की वॉल डाल रहे हो या आप कोई विला का स्ट्रक्चर डाल रहे हो, तो आपको वहां पर पाइलिंग करना जरूरी है टू प्रोवाइड द नेसेसरी स्ट्रेंथ। अगर आप ये सब चीजें नहीं कर रहे हो तो आपकी जो कंस्ट्रक्शन है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, और लॉन्ग लास्टिंग कंस्ट्रक्शन के लिए आपके बेसिक पैरामीटर्स जो हैं वी मस्ट फॉलो दोज पैरामीटर्स। और इन सब ड्राइंग्स में फर्दर हमें एक हेल्प लेनी होती है विच इज कॉल्ड एमएपी। आप एमएपी कंसल्टेंसी की सर्विसेज लेंगे तो आपको आपका वहां मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलेगा, किस टाइप के इलेक्ट्रिकल लेआउट्स डालेंगे वो पता चलेगा, और किस टाइप से आप प्लम्बिंग का स्ट्रक्चर डालेंगे वो पता चलेगा। तो आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं तो एक एग्जाम्पल है कि ये कैसे मैकेनिकल स्ट्रक्चर का लेआउट डाला जा रहा है। इसमें पहले ऑटो कैड में सारी ड्रॉइंग्स बन रही हैं और मैकेनिकल ये ड्राइंग्स को सिंक किया जा रहा है सॉयल रिपोर्ट के साथ और इवन कॉन्टूर सर्वेस के साथ, कितनी स्लोप आएगी, कितना उसमें प्लेन रहेगा, क्या क्या उसमें स्ट्रेंथ रहेगी, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक का मटेरियल यूज करोगे तो वो स्ट्रेंथ कंटिन्यू होगी, उसी को बेस करके आप स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स भी तभी बनाएंगे। अदरवाइज ये कंस्ट्रक्शन इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग। अगर ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है तो जो आप सामने अपनी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो आज तो आपको देखने में अच्छी लगेगी, लेकिन विद सम टाइम वो प्रॉपर्टी में आपकी जो कंस्ट्रक्शन है वो एक लॉन्ग लास्टिंग नहीं होने की वजह से वो उतना एप्रिसिएशन नहीं कमांड करेगी इन द फ्यूचर, क्योंकि वो जो
कंस्ट्रक्शन में आपने पैसा डाला है वो आपको दोबारा डालना पड़ सकता है. सेम एयर एग्जाम्पल ऑफ प्लम्बिंग की वाटर पाइपलाइंस कैसे जानी चाहिए, वाटर टैंक्स कैसे बनने चाहिए और उसकी स्ट्रक्चर ड्राइंग्स क्या है, पानी कैसे प्रोवाइड होगा सारे पूरे प्रोजेक्ट में आपके, ये हमें देखना पड़ेगा. और ये SIR के बाहर है तो इस समय अथॉरिटी ये चीजें नहीं देख रही है, नगर नियोजन देख रही है या तालुका पंचायत देख रही है, जिसको हमें अपने फोकस में लेकर चलना होगा फॉर मेकिंग श्योर दैट वेयर एवर यू आर इन्वेस्टिंग यू हैव इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल विद यू, कि वहां पानी का पाइपलाइन डालने का प्रोविजन है कि नहीं, उसमें टेलीकॉम और इंटरनेट और इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक लाइंस डालने का प्रोविजन एक डेवलपर प्रोवाइड कर रहा है या नहीं, ठीक है. एंड देन आफ्टर दिस जो रोड्स जो बन रही हैं वहां, जो आपके प्रोजेक्ट की रोड्स हैं, जैसे कि मैंने बोला आपको कि इसमें जो है क्ले सॉयल जो है सॉफ्ट होती है, अगर आप इसमें बिटुमिन रोड डालेंगे तो वो रोड आपकी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है. दैट मींस अगेन यू विल हैव टू इन्वेस्ट टू बिल्ड योर रोड्स अगेन एंड अगेन. और वो एक डेवलपर ने अगर एक बार पैसा डाल दिया है तो इट्स डिफिकल्ट कि आप अगर बिटुमिन यूज कर रहे हो और उसको दोबारा इन्वेस्टमेंट के लिए बोलो तो वो करेगा. इसलिए बेटर है एज अ डेवलपर वी हैव डिसाइडेड कि हम उसमें RCC स्ट्रक्चर डालें रोड्स में विच आर लॉन्ग लास्टिंग. उसमें एक स्ट्रेंथ होती है और उसमें एक प्रोसेस एक प्रॉपर होता है जिसमें आप स्टील का यूज करते हो बेस्ड ऑन द सॉयल स्ट्रेंथ दैट इज रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन द सॉयल रिपोर्ट दैट यू हैव, और उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली होना जरूरी है. ये तो हो गया कि आपको टेक्निकलिटीज क्या फॉलो करनी है धोलेरा में व्हाइल यू आर इन्वेस्टिंग इनसाइड एज वेल एज व्हाइल यू आर इन्वेस्टिंग आउटसाइड, एंड क्या पैरामीटर्स में ध्यान देना है. इन्वेस्टमेंट्स तो दोनों में ही आपको अच्छा रिटर्न्स देंगे, बट देन यू हैव टू मेक सिलेक्टिव इन्वेस्टमेंट्स विद द प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस एंड प्रॉपर रिसर्च कि हाँ वेयर शुड आई इन्वेस्ट एंड व्हाई शुड आई इन्वेस्ट एंड हाउ शुड आई इन्वेस्ट बेस्ड ऑन द टेक्निकल पैरामीटर्स. नेक्स्ट कम्स कि धोलेरा की मार्केट क्यों इतना फास्ट ग्रो करेगी और कितना ग्रो करेगी. तो अभी तो इंडिया का ही एग्जाम्पल लेते हैं, 23-24 में $330 बिलियन की तो इंडिया की ही मार्केट है और ये एक्सपेक्ट हो रही है कि ये $1.5 ट्रिलियन अगले 10 सालों में ये ग्रो करेगी विद द काइंड ऑफ ग्रोथ वी आर सीइंग इन एवरीवेयर इन एवरी सिटी और इन एवरी स्टेट इन इंडिया. और ये CAGR आता है 15-16-18% 20% के आसपास, इंडिया का ही इतना अच्छा ग्रोथ रेट है. और इस चीज को हम आगे धोलेरा में देखेंगे तो वो आई जस्ट लेट यू नो इन फ्यू मिनट्स कि धोलेरा में कैसे आप इसको कोरिलेट करेंगे. और उससे पहले आप ये देखिए गुड़गांव जैसी एक रियल एस्टेट मार्केट है जो 2000 में आई थिंक वहां पर 2000 में 2000 रुपए पर स्क्वेयर यार्ड में वहां पर लैंड पार्सल लेते थे, जो कि आज अप्रोक्सीमेटली 3-3.5 लाख रुपए पर स्क्वेयर यार्ड हो चुका है. इसमें एक कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 25% लोगों ने देखा और अभी भी पीपल आर सो एक्साइटेड टू सी कि हाँ गुड़गांव तो बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है, वो आगे भी ग्रो करेगा. बट जो स्टीप कर्व 25% का गुड़गांव को मिला वो आगे स्लो डाउन होता जाएगा बिकॉज एज अ मार्केट मेच्योर्स वो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट उतना फास्ट नहीं होता है. तो इसी चीज को अगर आप देखें कि इंडिया आप आगे 10 साल में कितना ग्रो कर रही है, गुड़गांव ने पीछे कितना ग्रो किया, धोलेरा को आज देखते हैं तो आज वहां पे एक लैंड जो लैंड आप ले रहे हैं और आप उसको प्रोसेस करके रख रहे हैं पूरा लीगली करेक्ट करके और उसमें आप प्लॉटिंग काट रहे हैं तो अराउंड 6,000 रुपीज पर स्क्वेयर यार्ड है और वो आज 2024 चल रहा है. लुकिंग एट द प्रीवियस डेटा इफ वी मेक अ प्रोजेक्शन वी एंटिसिपेट कि कम से कम अराउंड 10 लाख रुपए पर स्क्वेयर यार्ड के हिसाब से यहाँ का रेट होगा 2040 में, विच इज अराउंड 40-45% CAGR. तो मतलब अगर आप कैलकुलेट करें जहां इंडिया की ग्रोथ 18-20% CAGR आ रहा है या 20 के आसपास आ रहा है तो वहां पर धोलेरा में आपको एनीवेयर अराउंड 35-40-50% CAGR का ग्रोथ मिलेगा अगले 15-20 years में. और अगर मैं यही चीज को बोलूं कि 5 साल पहले अगर आपने इन्वेस्ट किया होता
और उस इन्वेस्टमेंट को आपने 2040 तक रोका होता तो वो कैलकुलेशन 50-60% सीएजीआर को जाता। सो दैट इज द रीजन व्हाई धोलेरा स्टैंड्स आउट एज अ मार्केट फॉर एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और वहां पे अभी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका रीजन क्या है कि इन्वेस्टमेंट क्यों इतना ग्रो करेगा। अहमदाबाद का धोलेरा का एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है जो कि ऑपरेशनल होना चाहिए इस साल के एंड तक। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है जो कि कार्गो का भी है पैसेंजर का भी है, वो अगले साल के एंड तक ऑपरेशनल होगा। टाटा सेमीकंडक्टर जब तक वहां पहुंच के अपना पहला चिप बनाएगी और उसको वो शिप करेगी एक्सपोर्ट करेगी तो तब तक उनको ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपनी फैसिलिटी के लिए फुल्ली ऑपरेशनल मिलेगा। दैट इज हाउ आई थिंक दीज थिंग्स आर बीइंग ट्यून्ड। ठीक है, और उसी तरह रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर इनसाइड एसआईआर भी गवर्नमेंट साथ साथ बनाते जा रही है। जैसे जैसे वहां पर टाटा का पूरा काम रेडी होने लगेगा रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिडेंशियल पर्पजेस के लिए भी रेडी होने लगेंगे और कमर्शियल पर्पजेस के लिए भी रेडी होने लगेंगे। सो वी डू नॉट हैव मच टाइम लेफ्ट इन अवर हैंड्स टू सी व्हेन धोलेरा इज धोलेरा एसआईआर इज एक्चुअली गोइंग टू सी फुल फ्लेज्ड डेवलपमेंट। दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड हो रहा है एयरपोर्ट प्रोवाइड हो रहा है टाटा जैसी कंपनीज आ रही हैं उसका हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है। और फिर एसआईआर के बाहर तो हमारे पास एडवांटेज है ही है, स्टेट हाईवे 1 का है, स्टेट हाईवे 40 का है और बहुत सारी रोड्स कनेक्ट कर रही हैं नेशनल एक्सप्रेसवे हाईवे के साथ भी बाहर, तो वो कनेक्टिविटी एसआईआर के बाहर भी मिलने वाली है, अंदर तो मिलेगी ही मिलेगी। और विद रिगार्ड्स टू गवर्नमेंट बाकी सारी इंडस्ट्रीज में जो है वो काफी प्रमोशनल एक्टिविटीज कर रही है कि आप आइए आप इन्वेस्ट करिए। तो वी आर गोइंग टू सी मच मोर देन वन कंपनी लाइक टाटा, वी आर गोइंग टू सी बिग कंपनीज बिग कॉन्ग्लोमरेट्स हु आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन धोलेरा इन नेक्स्ट कमिंग 3-4 years टाइम बेस्ड ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट द गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रोवाइड based on the subsidies government is going to provide and based on the future planning that the government is going to provide. One such example we have already seen is Dholera semiconductor plant jo Tata dal rahi hai aur uske baad ab Tata Airbus ka bhi ek tie up hai jo ki Vadodara mein unhone initiate kar diya hai lekin wo aerospace unit mein apni manufacturing dalegi to again wo Dholera mein hi dalegi. aur टूरिज्म के लिए एवरीवन नो कि लोथल जो है लोथल में 4500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गया है गवर्नमेंट का और वो टॉलेस्ट लाइट म्यूजियम बना चुकी है वहां पर बना रही है। इंटरनेशनल टूरिस्ट आने वाले हैं। एट वन पीक डे वी आर गोइंग टू सी 25,000 इंटरनेशनल टूरिस्ट एंड डोमेस्टिक टूरिस्ट गोइंग टू विजिट लोथल which is going to boost tourism, which is going to boost international airport traffic, which is going to boost a lot of domestic tourism as well. Now coming to exploring opportunities in Dholera, I think Meenakshi, you can take it from here and explain what future do you see from here. Hi, Meenakshi, can you listen? Can. Unmute. Yeah. Am I audible? Yeah. Am I audible? Okay. Yeah. Yes, yes. Okay. So, हमने जान लिया है कि धोलेरा SIR क्या है? धोलेरा SIR Special Investment Region. इनसाइड धोलेरा एसआईआर क्या है और आउटसाइड धोलेरा एसआईआर क्या है, नाउ वी नो दैट, राइट? तो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी हैं एज एन इन्वेस्टर, इफ एनीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट, दोनों जगह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस रहते हैं। ये है कि एवरीवन शुड नो वेयर दे आर इन्वेस्टिंग, कि आप धोलेरा
स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन जो है 920 स्क्वायर किलोमीटर का, उसका जो डेवलपेबल एरिया है 422 स्क्वायर किलोमीटर, क्या आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप इस धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वेदर इट इज टुवर्ड्स एक्सप्रेसवे और वेदर इट इज टुवर्ड्स एयरपोर्ट, राइट? तो ये आपको थोड़ा क्लियरली आइडिया होना चाहिए इन चीजों का, या अब हमारे पास किस तरह के ऑप्शंस हैं आज की डेट में इन्वेस्टमेंट के लिए। रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्लॉट्स रहेंगे, जैसे 100 गज के, 200 गज के, 250 गज के, इस तरह के रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी रहेंगे, और कमर्शियल एसईओ जिसको हम शॉप कम ऑफिस प्लॉट्स भी बोलते हैं, तो इस तरह के प्लॉट्स भी रहेंगे। फिर हमारे पास एसआईआर के अंदर स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के अंदर रेरा अप्रूव्ड प्लॉट्स रहेंगे, जो कि 350 गज से चालू होते हैं, 350, 400, 450 गज के करीब इनका साइज रहता है। फिर अपने पास लैंड पार्सल्स रहेंगे, लैंड पार्सल्स भी डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में रहेंगे, क्योंकि एंटायर धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन जो है वो डिवाइडेड है जोन्स में। कमर्शियल जोन अलग है, रेजिडेंशियल जोन अलग है, इंडस्ट्रियल जोन अलग है। तो लैंड पार्सल किस तरह के होंगे, कोई 5,000 स्क्वायर यार्ड का, 10,000 स्क्वायर यार्ड का, 20,000 स्क्वायर यार्ड का, डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्वियसली एपेटाइट एंड द इन्वेस्टमेंट साइज आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर बल्क डील्स, बल्क जो लैंड बोलते हैं हम आउटसाइड एसआईआर, जैसे फॉर एग्जाम्पल काफी सारे अब आज की डेट में बाहर से डेवलपर्स आ रहे हैं काम करने के लिए धोलेरा में, या काफी इन्वेस्टर्स भी ऐसे आ रहे हैं जो कि बाहर एसआईआर के बाहर की जमीन खरीदते हैं। सो इट इज जस्ट दैट यू नो व्हाट एवर इन्वेस्टमेंट यू वांट टू डू, ऑप्शंस आपको सभी मिलेंगे। इट इज जस्ट दैट यू शुड नो कि आप इन्वेस्ट कहाँ पे कर रहे हैं, और ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है कि आप कुछ एक चेकलिस्ट, जैसे हम बोलते हैं ना, एक चेकलिस्ट बनाना जरूरी है हमारे को बिफोर वी इन्वेस्ट एनी वेयर या बिफोर वी इन्वेस्ट विद एनी वन। अब ये किस तरह की चेकलिस्ट है कि हमारे को एक ये पता होना चाहिए, चाहे हम किसी डेवलपर के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं या किसी लैंड एग्रीगेटर के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो व्हाट इज द, वी नीड टू जस्ट चेक द बैकग्राउंड कि कितने समय से काम कर रहे हैं या काम करने के तरीके क्या हैं। अगर बहुत समय से काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है नॉर्मली आप इंडस्ट्री में भी फीडबैक ले सकते हैं, डिपार्टमेंट्स में भी फीडबैक ले सकते हैं। तो वी नीड, यू जस्ट नीड टू चेक द बैकग्राउंड ऑफ द डेवलपर और द लैंड एग्रीगेटर जिनके साथ आप एसोसिएट हो रहे हैं, राइट? फिर फॉलोड बाय दैट आपका, जैसे अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई बायर आया और उन्होंने बोला हमारा बजट एक्स वाई जेड है और हमारे को इतनी जमीन चाहिए, से 10,000 स्क्वायर यार्ड एक लैंड चाहिए। अब दस, मैंने आपको बोला कि ठीक है आई हैव दिस 10,000 स्क्वायर यार्ड, ये इस जोन में है, ये इसका यहाँ पे इसकी लोकेशन है, तो आपको धोलेरा के नक्शे में दिखा दी, लेकिन ये तो आई टोल्ड यू कि ये यहाँ पे है, यू सॉ इट ना, हाउ आर यू गोइंग टू वेरीफाई दैट वेदर इट इज एक्चुअली देयर और नॉट। उसको वेरीफाई करने का बहुत आसान तरीका है, सिर्फ आपको क्या करना है, अगर तो आप इनसाइड एसआईआर इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेम चीज जो आपको कोई डेवलपर दे रहे हैं, लाइक हम फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ दे रही हूँ, तो आप वो चीज वेरीफाई कराइए धोलेरा एसआईआर डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जिनका ऑफिस है उद्योग भवन में गांधीनगर, राइट? दे डेडिकेटेडली पीपल वर्किंग देयर, टाउन प्लानिंग ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, काम काज चलता है वहां पे डे इन एंड डे आउट, एंड अ वेरी सुपर्ब टीम ऑफ गुजरात गवर्नमेंट, आई मस्ट से दैट। ऐसे हमें लगता है कि यार 10 साल से क्या हुआ, 10 साल से क्या हुआ, बट जितनी प्लानिंग के साथ धोलेरा का काम हुआ है, यू नो जितने चाहे वेदर इट इज विद रिस्पेक्ट टू द मेकिंग टाउन प्लानिंग के ड्राफ्ट बनाना, एक एक सर्वे नंबर, मतलब एक एक खेत के लिए फार्मर्स के साथ लाइजनिंग करना, उनका कॉम्पनसेशन, लैंड एक्विजिशन के टाइम पे सारी चीजें संभालना, यू नो व्हाट आई मीन? सो इट इज अ वेरी टफ टास्क, ये ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट ऐसे करके हो जाएगा। सो आप जो भी, व्हाट एवर यू आर बीइंग गिवन, आप उसको एक बार क्रॉस चेक कीजिए विद अथॉरिटीज कि मैं यहाँ पे कुछ ये जमीन ले रहा हूँ क्या, इज इट इज एक्चुअली देयर। तो आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं लैंड के, वी ऑल्सो प्रोवाइड यू विद द कोऑर्डिनेट्स एंड यू कैन जस्ट क्रॉस चेक इट ऑल्सो। अब बात आती है अगर हम धोलेरा एसआईआर के फॉर एग्जाम्पल बाहर की जमीन की बात करते हैं, तो उसका भी सेम है। अगर जैसे यू नो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट से
एनी प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, अगर हम अब धोलेरा एक्सप्रेसवे सिटी की बात कर रहे हैं, वन ऑफ द प्लॉटिंग प्रोजेक्ट्स दैट वी हैव विच इज स्प्रेड अक्रॉस लाइक यू नो 10 फेजेस एंड 52 एकर्स ऑफ लैंड, उसमें से चार फेजेस हमने अभी लाइव किए हैं। आपको मैंने अगेन नक्शा दिखा दिया, अब आप ये कैसे देखेंगे, ऑब्वियसली वहां पे जाएंगे एंड देखेंगे कि क्या क्या जमीन, हर्ष बैक टू प्रीवियस स्लाइड, क्या क्या जमीन मतलब कहाँ पे है जमीन या क्या क्या काम हुआ है। दूसरा आप क्या चेक करेंगे कि क्या इस प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है, दिस अप्लाइज टू बोथ इनसाइड आउटसाइड एवरीवेयर, प्रॉपर्टी हैज टू बी अ क्लियर टाइटल प्रॉपर्टी, देयर शुड बी नो पेंडिंग केस ऑफ रेवेन्यू, देयर शुड बी नो लीन और मॉर्गेज ऑन इट, चाहे वो फार्मर को कभी पता भी नहीं होता उनके मतलब ग्रेट 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 ग्रैंडफादर ने लिया होगा, पता नहीं कब लिया होगा, 1900 यू नो यू डोंट इवन नो कि कब लिया होता है, तो यू शुड जस्ट गेट इट क्लियर। फिर क्या उस जमीन का नॉन एग्रीकल्चर कन्वर्जन हुआ है, अगर हुआ है तो किस पर्पज के लिए हुआ है, मिक्स यूज डेवलपमेंट के लिए हुआ है या कमर्शियल के लिए हुआ है, जैसे आई टोल्ड यू कि वी हैव एससीओ प्लॉट्स, तो क्या उन कमर्शियल प्लॉट्स का कमर्शियल लैंड यूज है या मैंने रेजिडेंशियल सोसाइटी में ही आपको ऐसे ही बोल दिया कि आप कमर्शियल भी बना सकते हो, चलो सामने के हैं तो थोड़ा बहुत कमर्शियल कर लो, नो इट डजंट वर्क लाइक दैट। आज की डेट में तो आसान है बोलना क्योंकि अभी इमिडिएटली ही बनाना है, लेकिन जब आप यू नो कल की डेट में आप फॉर दैट मैटर अगर कुछ बनाते भी नहीं हो, 2 साल बाद 3 साल बाद एज एन इन्वेस्टर अगर आप सिर्फ एग्जिट भी लेते हो, पर जिसको आप आगे सेल कर रहे हो कोई ना कोई तो ये सब देखेगा ही कि यहाँ पे क्या बन रहा है, लैंड यूज क्या था, यू नो व्हाट आई मीन, तो यू जस्ट नीड टू चेक ऑल दीज थिंग्स। फिर अगर तो हम प्लॉटिंग अगेन स्कीम की बात कर रहे हैं तो क्या उसका प्लान पास हो चुका है, यू नो सो डू वी हैव दैट साइन स्टैम्प वाला प्लान पास फ्रॉम द टाउन प्लानिंग ऑफिसेस। एक प्रोजेक्ट की हमेशा कंप्लीट लीगल फाइल होती है, चाहे वो कोई भी डेवलपर हो, वेदर इट इज स्मार्ट होम्स और एक्स वाई जेड एबीसी 1 2 3 एनी, और वेदर इट इज गोदरेज प्रॉपर्टीज और अदानी रियल्टी और डीएलएफ और एनी, हर प्रोजेक्ट की एक कंप्लीट फाइल होती ही होती है, एंड एज एन इन्वेस्टर एज एन एंड यूजर यू हैव ऑल द राइट टू आस्क फॉर अ कंप्लीट फाइल ऑफ द प्रोजेक्ट, यू कैन ऑलवेज आस्क दैट राइट। छोटा सा हम नहीं सब्जी वब्जी खरीदने जाते हैं, वहां पे 50 चीजें देख लेते हैं, बैंगन कैसा है, आलू कैसा है, इसमें कीड़ा तो नहीं है, यू नो व्हाट आई मीन, तो यहाँ पे तो हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं, सो वी शुड एजुकेट आवरसेल्फ, खुद ही हमको एजुकेट भी करना चाहिए एंड देन इम्प्लीमेंट भी करनी चाहिए वो चीज, कि हमारे को लीगल फाइल मिल गई सारे, हम बिल्कुल संतुष्ट हो गए, यस इट इज ऑल गुड, गुड टू गो एंड देन यू गो अहेड। सो दीज आर फ्यू चेकलिस्ट बिफोर यू शुड इन्वेस्ट। सो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मैंने आपको बताए, स्मॉल प्लॉट्स वेदर इट इज 100 स्क्वायर यार्ड्स 200 स्क्वायर यार्ड्स 300 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, और बिगर पार्सल्स वेदर इट इज 100,000 स्क्वायर यार्ड्स 5,000 स्क्वायर यार्ड्स और 10,000 स्क्वायर यार्ड्स, वेदर इट इज इनसाइड SIR और आउटसाइड SIR, स्मार्ट होम्स इज एवरीवेयर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड आई विल जस्ट क्विकली रन यू थ्रू हमारी टाइमलाइन, स्मार्ट होम्स की टाइमलाइन क्या रही है अभी तक। हम लोगों ने काम जो है वो 2015 में चालू किया ऑन ग्राउंड, ऑफकोर्स रुपिंदर जी 2014 में आए थे एंड दैट एक्सयूवी स्टोरी नाउ एवरीवन नोस, आई डोंट इवन नीड टू टेल दैट। सो डेफिनेटली आफ्टर डूइंग द रिसर्च एंड स्टडी एंड एवरीथिंग वी स्टार्टेड ऑफिशियली वी स्टार्टेड इन 2015। 2015 में हमने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था मेपल गार्डन, जो कि फेदरा पीपली हाईवे पे था। अगर आप में से कोई धुलेरा गया है तो आई एम श्योर फेदरा पीपली का आइडिया होगा आपको, तो तोरण होटल है एक गैलप्स के जस्ट ऑपोजिट एंड दिस स्कीम इज जस्ट बिहाइंड दैट। 2015 में हमने ये लॉन्च किया एंड आई थिंक अप्रोक्सीमेटली इन 2016 एंड और अर्ली 2017 यू नो दैट एक्साइटमेंट ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट इट सोल्ड आउट हो गया, नाउ वी शुड डेवलप इन एंड ऑल दोज थिंग्स, सो We started constructing there. हमने जो होता है यूजली प्लॉटिंग प्रोजेक्ट्स में आप कंपाउंड वॉल बनाते हैं, गेट बनाते हैं, सिक्योरिटी केबिन बनाते हैं, इंटरनल प्लॉट्स की डिमार्केशन करते हैं, उसमें नंबरिंग डालते हैं, रोड का प्रोविजनिंग चालू करते हैं, यू नो ऑल दोज थिंग्स। एंड वेरी सून इट वॉज लाइक प्रोबेबली इन ईयर एंड अ हाफ ओनली, थोड़ा शायद अब लग रहा है देर से हमने रियलाइज किया, बट या इन इन अबाउट ईयर और ईयर एंड अ हाफ, क्योंकि तब हमने अपना दूसरा प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था एयरपोर्ट सिटी फेज 1 विच वॉज इन कामतलाव,
So there also we started same construction. Then we realized that either it has to be construction which is full fledged, जैसा कि SIR में कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट ने करना है, क्योंकि 2017 में ना L&T ने एक्टिवेशन एरिया में काम चालू किया था रोड्स एंड सर्विसेज का. सो लाइक ऑलवेज रुपिंदर जी स्टडीड दैट वेरी, मतलब बिल्कुल एकदम जैसे कोई MBA का असाइनमेंट करते हैं ना हम, बिल्कुल वैसे. सो ही वाज लाइक नो, इफ वी हैव टू गेट इनटू द कंस्ट्रक्शन इट हैज टू बी फुल फ्लेज्ड कंस्ट्रक्शन थिंग, और एल्स ये यू नो जस्ट दीवार बना देना या ये सब, इट इज नॉट गोइंग टू मेक मच सेंस. देन वी रियलाइज दैट ये तो अभी काम है लैंड एक्विजिशन का, ये काम है फोकस जमीन पे फोकस करने का, एंड दैट इज वॉट वी डिड फॉर दीज 9 ईयर्स. एंड आई वुड से दैट येस, दिस इज द बेस्ट टाइम. Now we have whatever timeline you see there, almost all these projects, whether it is Airport City 1 or Orange Olive Mulberry or Enclave, ABCD Enclave ki humne series nikali thi, Greens and Orchard, you know, now in last year only we started this Lera Expressway City, and this year with the grace of God we are launching our new project which is going to be spread across some 2 lakh square yards of area. तो ऐसे ऐसे करके ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते गए आउटसाइड इनसाइड एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड एज वी ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अबाउट द कंस्ट्रक्शन दैट इज नाउ स्टार्टेड. सो एट द एंड ऑफ आवर प्रेजेंटेशन आई वुड जस्ट से, वन, आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, किसके साथ इन्वेस्ट कर रहे हो. लीगल में कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. इट इज नॉट लाइक यू नो चलो थोड़ा सा देख लेंगे बाद में देख लेंगे या वॉट एवर. नो, जमीन का काम है, जमीन का काम लीगली 100% करेक्ट ही होना चाहिए. देर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज इन दैट. एंड एट द एंड ऑफ द डे इफ इट इज अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन इट विल ऑलवेज गिव यू रिवॉर्ड्स. इफ इट इज अ डेवलपिंग लोकेशन इट विल ऑलवेज गिव यू रिवॉर्ड्स. इफ द डेवलपर इज वर्किंग ऑन दैट अगेन इट विल ऑलवेज गिव यू रिवॉर्ड्स. सो दैट वॉज इट. अब आपके कोई भी कुछ सवाल वगैरह हो यू कैन राइट, यू कैन लेट अस नो, वी आर हियर टू आंसर. थैंक यू सो मच. सो थैंक यू मीनाक्षी मैम, थैंक यू रुपिंदर सर. सो गाइस वी आर रीचिंग एंड ऑफ दिस वेबिनार. जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपसे बात की थी, तो ये वेबिनार करने का एजेंडा था कि आप लोगों को पता चले के धोलेरा एक्चुअली क्या है, अभी कौन से स्टेज पे, क्योंकि धोलेरा स्टार्ट हुआ था मोदी जी ने ये जो कॉइन जो टर्म स्टार्ट किया था स्मार्ट सिटी का, सो दैट वाज इन 2009. सो फ्रॉम 2009 टू 2015 तक काफी प्लानिंग वगैरह हुई, पेपर पर प्लानिंग हुआ. आफ्टर 2014-15 ग्राउंड वर्क स्टार्ट हुआ, काफी डेवलपमेंट गवर्नमेंट की तरफ से भी स्टार्ट हुआ. जो बिल्डर ग्रुप था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर ग्रुप था, उन लोगों ने अपना काम स्टार्ट किया, और वही सारी डिटेल्स हम लोगों को आपको बतानी थी, आपको अवेयर का था कि एक ऐसा सिटी, एक ऐसा स्मार्ट सिटी इंडिया में बन रहा है कि जहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है. जैसे हम लोग बोलते हैं कि आज से लाइक नो 25 साल पहले, 30 साल पहले लाइक नो दुबई कैसे ग्रो हो रहा था, और आज दुबई में रियल एस्टेट देखो, अभी गुड़गांव का देखो. ऐसी सिटीज जो जहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी मिले, जहाँ पे आप जमीन पे ग्राउंड पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो सोचो आफ्टर लाइक 5 साल 10 साल क्या होगा. फिर वो जो बोलते हैं ना कि काश मेरे पापा ने वहां पे इन्वेस्ट किया होगा, बस वो अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करनी है, राइट. तो आपको अगर स्मार्ट होम्स के बारे में और जानना है, आपको धोलेरा के बारे में और जानना है, वी यू गाइस आर वेलकम टू लाइक नो चेक आउट अवर वेबसाइट smart-homes.in, जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिलेगी, जहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगी, हमारे प्रोजेक्ट्स कौन से चल रहे हैं, यू कैन गो थ्रू एवरीथिंग. आप लैंड पार्सल चेक कर सकते हो, आप हमारे वेबिनार से हम पॉडकास्ट किए विद रियल एस्टेट रियल्टर्स, आप वो पूरा सुन सकते हो. हम लोगों ने ये धोलेरा स्मार्ट सिटी कैसे पूरा ग्रो हो रहा है उसके ऊपर इन डिटेल पॉडकास्ट किया है विद अनोना. आप वहाँ पे पूरा वेबिनार देख सकते हो. आप प्रोजेक्ट्स के बारे में और हमारे हमारे स्मार्ट होम्स की क्रेडिबिलिटी को चेक कर सकते हो थ्रू अवर वेबसाइट. आपको अपडेटेड रहना है अबाउट ऑल द प्रोजेक्ट्स दैट आर हैपनिंग विद स्मार्ट होम्स एंड व्हाटएवर गवर्नमेंट इज डूइंग, व्हाटएवर अपडेट्स दैट गवर्नमेंट्स आर लाइक नो गिविंग इन धोलेरा. तो आप सारी डिटेल्स आप स्मार्ट होम्स के पेज को, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करके आप जान सकते हो, तो आपको रेगुलर डिटेल्स, रेगुलर अपडेट्स वगैरह मिलेंगे.
आप फाउंडर्स हमारे रुपिंदर सिंह एंड मीनाक्षी मैम के पर्सनल अकाउंट्स को भी फॉलो कर सकते हो, जहां पे अभी रेगुलरली दे गोना पोस्ट पोस्ट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट धौलेरा एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एंड हाउ टू स्मार्टली इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट. बिकॉज लाइक नो बहुत सारे लोग है जो आपको लाइक नो अलग अलग तरीके से एक का डबल दो का चार स्कीम्स वगैरह बताएंगे, लेकिन हियर वी आर लाइक नो ट्राइंग टू पुट यू इन टर्म्स ऑफ लाइक नो लीगलिटीज ऑफ ऑफ ईच एंड एवरी इन्वेस्टमेंट. तो आप वो कैसे कर सकते हो, आपको अगर और डिटेल्स जाननी है तो डू कॉल अस ऑन दिस नंबर एंड आप ईमेल भी कर सकते हो. अभी व्हाट आई विल डू इज आई विल गो थ्रू मैसेजेस. वी गॉट फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम सर्टेन पीपल. सो मीनाक्षी मैम, रुपिंदर सर, यू आर वेलकम टू आंसर. आई विल गो थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन केम फ्रॉम अर्जुन मल्होत्रा. ही वॉन्ट्स टू नो आर देर एनी एग्जिस्टिंग रेरा अप्रूव्ड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स अवेलेबल इन SIR. एनी मीनाक्षी मैम, रुपिंदर सर. I will take that. Yeah. Hi Arjun, and yes, there are RERA approved projects available in SIR, and of course the quantity of RERA projects inside SIR is lesser than outside SIR free zone. Free zone mein to RERA applicable bhi nahi hai abhi because it is still under rural thing. And yes, inside SIR it is available, and we are coming up with a new project also, jiska ab hamare ko plan passing on the verge of completion hai. So maybe another year, month and a half or something, we will also come up with a new project. Baki abhi existing projects to hai, there are approved projects hai already SIR. Yes. Okay, thank you Meenakshi. Second question is from Pratik Kanwal. He wants to know, I heard that not a lot of local people are interested in, any reason you are aware of? I think he wants to know, like, local people are not interested into Dholera SIR and everything. That's a history now. Yes guys, like, no, I would say you guys should definitely visit Dholera. You guys should definitely check out, like, you know, what government is doing for the Dholera local villages, what these companies are doing. Yes ma'am. Actually, there's one more thing. Jo hamare pass hota hai na, usually matlab whatever is closer to us, whatever we can see every day, to ek human psyche bhi hoti hai ki are dekhte hain, hota hai nahi hota hai, hoga ki nahi hoga. Main to kafi time se dekhta aa raha hu. You know, I still remember that it was just 2 or 3 years back. Zyada nahi, shayad 2.5 or 3 years ke beech mein, Rupinder sir was talking to someone, like, you know, some collaboration in Gift City. And like, you know, here jaise local people, obviously from Ahmedabad and all, so they knew it is happening. Kaafi time se ho raha hai. To kai bari logon ki patience se jawab de deti hai. And now you see how Gift City is, you know, it is again one of the bestest possible example of any cities ever made. Itna high tech, itna fintech, matlab it is like obviously a fintech city of Gujarat now, jisse Gujarat ka pura dynamics hi change ho gaya real estate ka, you know, Gift City se. So I think ye jo projects hote hai na itne bade bade, inko apna time to dena hi padta hai, isme koi shortcut nahi ho sakta. चाहे कोई भी जगह हो, वेदर इट इज गुड़गांव और वेदर इट इज चंडीगढ़, जीरकपुर, कुछ भी, गांधीनगर बना, गिफ्ट बना एंड ऑल दोस थिंग्स, तो नॉर्मली हमें इन प्रोजेक्ट्स को एक जस्टिफिकेशन का टाइम तो देना ही पड़ता है. सो या लोकल पीपल थोड़ा सा वो नहीं होता कि इम्पेशेंट हो जाते हैं कि हम तो रोज ही उसको देख रहे हैं, वो हो नहीं रहा. सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी. Yeah, Meenakshi, we got another question from Sanjay. Yes, Mishra. Please. Yeah, he wants to know from when development work will be start in Piccadilly Square 2, as RERA date is December 2029. Yeah, so in fact, bada mazedar question hai, kyunki day before yesterday, 2 days back, we were in Dholera. So while coming back from the Mamladar office, हम लोग गए थे टूवर्ड्स मतलब कादीपुर की तरफ. पिकाडिली स्क्वायर 2 इज इन कादीपुर ओनली, एंड वी वर सो हैप्पी टू सी द टीपी रोड देयर, द फर्स्ट टीपी रोड.
apart from Yes. activation area, the first PP road we see now in Kadipur. So I think होता है कि एक रोड का लेवल मिल जाए उसके बाद वी कैन स्टार्ट. सो प्रोबब्ली रेरा इज आल्सो गिवन एन एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम. तो जैसे ही अपने को ये रोड लेवल्स वगैरह मिल जाते हैं आफ्टर दैट वी कैन स्टार्ट. मे बी अनदर इट इज मैटर ऑफ टाइम नाउ अनदर ईयर और सो वी शुड सी दैट इंटरनल रोड्स वगैरह की तरफ धीरे 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 करके जा रही है अब डेवलपमेंट. एंड वी हैव ऑलरेडी यू नो पुट दैट मैम वॉइस ब्रेक के जा रहा है. अपना एरिया डिमार्केटेड हो गया है या मे बी एक डेढ़ साल में नाउ वी शुड डू दैट. ओके ओके. सो प्रदीप प्रजापति यू रेज योर हैंड बट आई वुड लाइक इफ यू कैन क्वेश्चन लाइक नो इन द ऑप्शन सो दैट वी कैन लाइक नो गो थ्रू व्हाट यू वांट टू आस्क. संजय मिश्रा ने और एक क्वेश्चन पूछा है इज देयर एनी ऑप्शन टू बाय ऑफिस स्पेसेस अराउंड 100 टू 150 स्क्वायर यार्ड्स इन धोलेरा एसआईआर. ऑफिस स्पेसेस जो है ऑफिस स्पेसेस का भी टाइम आने ही वाला है. इनफैक्ट मतलब वन ऑफ आवर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इज अबाउट दैट ओनली. सो आएगा. अभी तो कंस्ट्रक्शन का अब टाइम चालू हो गया है तो ऑफिस स्पेसेस शॉप्स ये सब चीजों का टाइम आएगा. बाकी प्लॉट्स तो ऑलरेडी अवेलेबल हैं कमर्शियल प्लॉट्स विद प्रॉपर कमर्शियल प्लान पासिंग. शॉप कम ऑफिस प्लॉट्स भी हैं 100 स्क्वायर यार्ड्स 150 200 स्क्वायर यार्ड्स इन दोज कैपेसिटीज. या ओके. प्रतीक जी जानना चाहते हैं इज देयर एनी सपोर्ट फॉर रीसेल फॉर बोथ बाय एंड सेल ऑफ वन ऑफ वंस बॉट प्लॉट्स. सर्टनली बिकॉज जो रीसेल एंड रेंटल्स है ना वो तो एक अलग ही मतलब काम हो जाएगा करने के लिए यू नो. सो एज एन ऑर्गेनाइजेशन व्हाट वी प्लान दैट वी शुड हैव अ सेपरेट हेल्प डेस्क. मतलब एक्चुअली नाउ इट इज रिक्वायर्ड. सो मे बी एनी टाइम नाउ वी शुड हैव अ सेपरेट हेल्प डेस्क विच इज वर्किंग ओनली फॉर रीसेल एंड रेंटल. क्योंकि बहुत ज्यादा अभी यही काम मतलब रेंटल्स का ही काम आता है शुरू में जब शहर बन रहा है नए लोग आ रहे हैं रहने के लिए उनको घर चाहिए राइट. सो हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं घर बना रहे हैं तो उनको लीज पे देना और वो सब चीजें करना. सो यस सर्टेनली वी विल हैव अ डेडिकेटेड हेल्प डेस्क फॉर दैट. ओके थैंक यू मैम. सो गाइस फॉर द नेक्स्ट टू मिनट्स वी विल टेक मोर क्वेश्चंस. अगर आपको और कुछ जानना है अबाउट या कैन हियर मी. तो आपको अगर और कुछ जानना है अबाउट अबाउट धोलेरा एंड अबाउट लाइक यू नो स्मार्ट होम्स प्रोजेक्ट्स डू आस्क अस इन द क्वेश्चन सेक्शन. सो हितेश अहूजा वांट्स टू नो व्हाट आर द एक्सपेक्टेड टाइमलाइन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स एरिया इन आनंदपुर. हाउ इज द अदर एरिया डेवलपमेंट नियर प्रोजेक्ट लाइक रेल रोड इन दैट एरिया. So in expressway township development has already started and ab chalegi wo matlab aaram se 1.5 saal tak to approximately I'm talking about yeah 1.5 2 saal tak wo development chalegi. It's like some 52 acres of the land that we have to develop there aur yeah you should be able to see those basic amenities and show wo sab thoda thoda pehle dikhna chalu ho jayega but yes I think timeline for that should be year and a half 2 years from now. Okay, Pradeep wants to know if any customer want exit in within 2 or 3 years, then how smart homes help for resale support from Pradeep, Delhi. Pradeep from Delhi. So as I said that for resale, we are anyways planning for a separate help desk for resale and leasing only. Resale and rentals or leasing only. तो जैसे किसी को शॉर्ट टर्म एग्जिट लेना है 6 महीने का साल भर का 2 साल का या किसी को मिड टर्म एग्जिट लेना है 5 साल का 7 साल का या लॉन्ग टर्म वट एवर. सो सर्टनली यू नो वंस वी कम अप विद दिस हेल्प डेस्क थिंग वी कैन ऑलवेज ब्रॉडकास्ट इट अमंग अवर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स एंड या दैट विल हेल्प देम ऑब्वियसली. ऑलराइट थैंक यू मैम. Vijay just want to say it was pleasure to thank it was pleasure to hear both of you and there is no question. Mm-hmm.
they just want to pass thank you to like it was pleasure to hear you both speak. You're most welcome. Keep listening right. us and keep investing, and we will keep you giving rewards. Yes, another thing, guys. For the Rath Yatra, we are coming up with an offer. So with every plot you book, you will get an exclusive 1 gram gold coin. So do let us know, like, if you are into if you are planning to, like, invest in Dholera, and if you can do it before 7th of July. And so I think this is nice. The end of this webinar. I hope you guys got all the information that you guys were looking for. Agar aapko aur kuch janna hai to hamare aur webinars bhi aate rahenge. Keep stay connected with us on our social media handles. Do follow both the founders handle and our company handle Smartones. Hum next podcast ki link, next webinar ki link aap logo ko emails ke through bhejenge, and we are also sending out our survey form to let us know, like, know how was this webinar, and if you guys want to know more details about the projects and everything, aap wo email ko revert back kar sakte ho. So yeah, I think that's the end of this webinar. Hope you guys will we'll take all this question and reply to you or through this email. So some more people are also asking few questions, but yeah, we'll take care of their questions in the email. So thank you so much, guys. Hope you will have an amazing Sunday after yesterday's win. You guys will, like, know, party for today's evening. Stay safe, and yeah, thank you so much for joining, guys. Webinars again and again. Thank you for joining also. Yeah, thank you so much.